नमस्कार, मैं उप्रिया। आज 26 नवंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। एनटीपीसी ने डिप्लोमा इंजीनियरों के लिए निकाली रिक्तियां। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डिप्लोमा धारक इंजीनियरों के लिए डिप्लोमा ट्रेनी पद पर 70 वैकेंसी निकाली है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 12 दिसंबर है। पहले चयनित उम्मीदवारों को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद उन्हें 24,000 बेसिक पे के साथ W7 ग्रेड पर रखा जाएगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो माइनिंग के लिए माइनिंग या माइनिंग माइन, सर्वेइंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, माइन सर्वे के लिए माइन सर्वे और माइनिंग इंजीनियरिंग या माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। मुजफ्फरपुर के लीची बगीचा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मुजफ्फरपुर की लीची देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर को लीची का अघोषित राजधानी भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 लाख टन लीची पैदा करने की वजह से लीची के बगीचे मुजफ्फरपुर में पर्यटकों के लिए सबसे अधिक पसंदीदा जगहों में से एक है। बोचाचा, झपाहा और मुशाहारी शहर के 7 किलोमीटर के दायरे में स्थित प्रसिद्ध लीची उद्यान है, जिन्हें देखने के लिए मई से जून के बीच में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। DCECE की परीक्षा होगी आज से शुरू। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड पटना द्वारा आयोजित DCECE अंतर्गत पॉलिटेक्निक अभियंत्रण, पारामेडिकल, पारामेडिकल डेंटल की परीक्षा का आयोजन आज से यानी कि 26 नवंबर और 27 नवंबर को पटना स्थित 43 परीक्षा केंद्रों पर होने वाला है। परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए हिंदी भवन सभागार में प्रतिनियुक्ति प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग कर दी गई है। इस दौरान COVID-19 को ध्यान में रखते हुए थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर और सोशल का पालन करवाया जाना है। साथ ही उन्हें अपने अपने निर्धारित दायित्व का जवाबदेही से निष्पादन करने का निर्देश भी दे दिया गया है। बिहार में कोरोना के आए 700 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 763 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 232,460 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में 292 नए मामले सामने आए, वहीं मुजफ्फरपुर में 34 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में दिखेगा चक्रवात का असर। बिहार में आज चक्रवात निवार का असर दिख सकता है। मिली जानकारी के अनुसार पछुआ हवा के असर से पूरे बिहार में ठंड और कनकनी का असर बढ़ता जा रहा है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत में हो रही बर्फबारी के कारण बिहार समेत पूरे मैदानी हिस्से में तापमान एकाएक नीचे गिर चुका है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम वैज्ञानिक वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवातीय तूफान निवार के कारण जिले के आसमान में 26 नवंबर से बादल छाए रहेंगे, पछुआ हवा का असर कम होगा। अगले साल मार्च महीने तक करवाई जाएगी 17,000 पदों पर बहाली। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रोजगार एक अहम मुद्दा रही थी, वहीं अब सरकार भी बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करवाने का काम कर रही है, जिसके तहत 31 मार्च तक 17,000 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने वनरक्षी के 484 पदों पर बहाली लेंगे। 16 दिसंबर को 37 जिलों के 383 परीक्षा केंद्र पर दो पाली में परीक्षाएं होंगी। इन पदों पर बहाली के लिए कुल 3,54,386 अभ्यर्थी भाग लेंगे। भागलपुर झारखंड रेल यात्रा हुई आसान। अब ट्रेन से भागलपुर से झारखंड जाना आसान हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर से झारखंड के विभिन्न शहरों में जाना अब आसान होने वाला है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की मांग पर 2 नई डेमू ट्रेनें मिलने से यह मुमकिन हुआ है। रेलवे बोर्ड की तरफ से मिली हरी झंडी के बाद मालदा रेल डिवीजन ने भागलपुर बांका, हंसडीहा, पड़ैया घाट, दुमका के बीच नई डेमू ट्रेन के परिचालन संबंधी नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी किया था। भागलपुर से पड़ैया घाट के बीच नई डेमू ट्रेन रोजाना 2-2 फेरा लगाएगी। यह ट्रेन हंसडीहा से होकर चलेगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रतन राजपूत की। रतन का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। वहीं रतन को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। इसी के तहत उन्होंने बतौर एक्टर अपना करियर बनाने की ठानी और मुंबई के लिए रवाना हो गई थी, जिसके बाद रतन राजपूत को पहचान उनके साल 2008 में आई राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी सीरियल से मिली, जिसके बाद रतन ने अगले जन्म मोहे बिटिया ही दीजो जैसे कई सारे सीरियल में भी काम किया। इतना ही नहीं, रतन बिग बॉस के 7वें सीजन में भी बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा थी।
बिहार में नल जल योजना के तहत 24 घंटे में दूर होंगी शिकायतें। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी नल जल निश्चय योजना की शिकायत अब 24 घंटे के अंदर दूर कर ली जाएगी। इस योजना का लाभ लोगों को निरंतर मिले इसकी विस्तृत कार्य योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार कर ली गई है। इस योजना से जुड़े तीनों विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज और नगर विकास एवं आवास विभाग की शिकायतें एक ही टोल फ्री नंबर 1800-123-1121 पर प्राप्त करने की व्यवस्था है। बिहार में कोरोना टेस्ट के लिए 500 से अधिक टीम का हुआ गठन। बिहार में कोरोना के संभावित मामलों के होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए 533 मेडिकल टीम का गठन किया गया है। इसकी मदद से सघन जांच अभियान शुरू करवाया गया है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया है कि सभी जिलों में कोरोना जांच को लेकर पूर्व से सक्रिय मेडिकल टीमों को अलर्ट किया गया है ताकि कोरोना के संक्रमित मरीजों की तत्काल जांच कर उनके संपर्कों की तलाश की जा सके। पटना से मुंबई हवाई यात्रा अब होगी और ज्यादा आसान। पटना से मुंबई यात्रा करना अब और भी ज्यादा आसान होने वाला है क्योंकि 2 दिसंबर से इंडिगो की एक जोड़ी नई फ्लाइट पटना से मुंबई के बीच शुरू हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विमान संख्या 6E761 दोपहर 11:30 बजे मुंबई से चलने वाली है जो दोपहर 2 बजे पटना पहुंचेगी। वहीं यही फ्लाइट दोपहर 2:30 बजे 6E762 बनकर उड़ेगी जो शाम 5 बजे पहुंचेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें यह फ्लाइट सप्ताह में 7 दिन चलेगी और पटना से मुंबई के लिए 7वीं फ्लाइट और इंडिगो की 3री फ्लाइट होगी। विधानसभा अध्यक्ष पद पर मिली विजय सिन्हा को जीत। 17वें विधानसभा अध्यक्ष को लेकर एनडीए के विजय सिन्हा और महागठबंधन की तरफ से अवध बिहारी चौधरी एक दूसरे के आमने सामने थे जिसके बाद अब एनडीए की तरफ से भाजपा उम्मीदवार विजय सिन्हा को शानदार जीत हासिल हुई है। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हंगामे के बीच प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने परिणाम सुनाया। विजय सिन्हा के पक्ष में 126 वोट पड़े जबकि विरोध में 114 वोट पड़े। इस तरह विजय कुमार सिन्हा 17वीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर प्रशासन हुई सख्त। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड में नजर आ रही है। पहले छठ पूजा को लेकर घाटों पर प्रशासन ने पूरी सजगता बरती थी वहीं अब कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा घाट पर अभी से ही बैरिकेडिंग का काम किया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ छठ की तरह ही उमड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए घाटों पर जवानों की तैनाती के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तैनात करने के लिए जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घाट तक वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगाया गया है। कोरोना को लेकर कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं से जिला प्रशासन ने अपील की है कि मास्क के उपयोग के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखें। सीबीआई ने लालू यादव के जमानत का किया विरोध। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है जहां एक तरफ लालू यादव जल्द से जल्द बाहर आने की कोशिश में जुटे वहीं सीबीआई उनकी परेशानी बढ़ाने में लगी हुई है जिसके तहत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत मामले में सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में बीते दिन जवाब दाखिल कर दिया है। इसमें सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का हवाला देते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले के जिस मामले में जमानत की मांग की है उस मामले में सीबीआई कोर्ट से उन्हें मिली सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है। ललन पासवान के साथ फैले ऑडियो ने बढ़ाई राजद की मुश्किलें। बीते दिन बिहार की राजनीति में सुबह सुबह उफान आया। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव के नाम पर एक ऑडियो जारी किया है। इस ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि किस तरह लालू यादव ललन पासवान को सदन से गैर हाजिर रहने की अपील कर रहे हैं। ऑडियो बाहर आने के बाद भाजपा विधायक ललन पासवान ने स्वीकार किया है कि राजद सुप्रीमो से फोन पर उनकी बात हुई है जिसके बाद अब भाजपा पीआईएल दाखिल करने की बात कर रही है। आज होने वाले ट्रेड यूनियन की हड़ताल का राजद ने किया समर्थन। आज देश भर में ट्रेड यूनियन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है जिसको राजद ने अपनी तरफ से समर्थन देने की बात कही है। नए परिवहन एक्ट, रेलवे के निजीकरण और लॉकडाउन में परिवहन मजदूरों को राशन कार्ड मुहैया कराने की मांग को लेकर होने वाले इस हड़ताल में राजद ने भी सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सभी जिलों के जिलाध्यक्षों और प्रधान महासचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि 26 नवंबर को होने वाले इस देशव्यापी हड़ताल में राजद का पूर्ण समर्थन है। मनोज झा और तेजस्वी ने गैर विधानसभा सदस्यों को वोटिंग के दौरान बाहर रहने की दी सलाह। स्पीकर के चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था पर राजद प्रवक्ता मनोज झा ने अपना बयान जारी किया है जिसके तहत उन्होंने स्पीकर के चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य दो मंत्रियों की मौजूदगी पर सवाल उठाया है। साथ ही कहा है कि अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो मुख्यमंत्री और अन्य ऐसे मंत्री जो विधानसभा सदस्य नहीं है उन्हें वोटिंग के दौरान बाहर रहना चाहिए था। वहीं तेजस्वी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव में जनादेश की चोरी हुई है उसी तरह विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में भी वही चीजें दोहराई जा रही है।
अनोखे अंदाज में अनंत सिंह ने लिया शपथ। बाहुबली नेता अनंत सिंह बीते दिन शपथ ग्रहण समारोह में सीधे जेल से पहुंचे थे, जिसके बाद उनका शपथ ग्रहण सुर्खियों का हिस्सा बन गया। अनंत सिंह ने एक सांस में ही पूरा शपथ ग्रहण कर लिया। वहीं उनके शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान लालू के बाहर आए ऑडियो पर उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। मीडिया के सवालों को टालते हुए उन्होंने कहा कि उनकी किसी से कोई बात नहीं हुई है, आप लोगों से बात हुई है और आप लोग ही जानते होंगे कभी सलाखों के पीछे बंद इंसान फोन पर बात कर सकता है क्या। लालू के कॉल के बाद झारखंड सरकार को पत्र जारी करेंगे डिप्टी सीएम। कथित तौर पर लालू यादव के भाजपा नेता ललन पासवान को कॉल कर प्रलोभन देने के मामले में राजद चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। वहीं इस मामले में संज्ञान लेते हुए भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि लालू द्वारा भाजपा विधायक को फोन कर सदन में अनुपस्थित रहने की बात संबंधी प्रलोभन देना गंभीर मामला है। जेल में रहते हुए लालू प्रसाद यादव फोन कैसे कर सकते हैं, इस मामले की जांच के लिए जल्द ही झारखंड सरकार को पत्र लिखा जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी के कोच ने दुनिया को कहा अलविदा। महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसकों के लिए एक बुरी खबर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के मेंटर, जिन्होंने उन्हें क्रिकेट खेलना सिखाया था, देवल सहाय ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने 73 साल की उम्र में रांची के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली है। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, देवल सहाय को रांची क्रिकेट के भीष्म पितामह भी कहा जाता था। इतना ही नहीं, वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। सहाय को में पहली टर्फ पिच तैयार करने का श्रेय जाता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है। 1949 में भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। 1960 में भारत में पहली बार लखनऊ और कानपुर के बीच टेलीफोन की एसटीडी सेवा शुरू हुई। 2005 में भारत के विजयपत सिंघानिया ने सबसे गर्म हवा के गुब्बारे की उड़ान का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो 69,852 फीट तक पहुंचा था। 2008 में भारत में मुंबई मामले में 80 लोगों ने जान गंवा दी थी। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शाहिर शेख ने अपनी गर्लफ्रेंड रुचिका कपूर से की सगाई। टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर शाहिर शेख ने अपनी गर्लफ्रेंड रुचिका कपूर से सगाई कर ली है। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए उन्होंने खुद अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने गर्लफ्रेंड रुचिका कपूर संग अपने रिलेशनशिप की जानकारी साझा की थी। खबर आ रही है कि अब जल्द ही वो शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं। वहीं रुचिका की अंगूठी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए शाहिर ने कैप्शन में लिखा, तू हंसदी रवे पूरी जिंदगी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए नए नियमों का करना होगा पालन। ट्विटर पर ब्लू टिक पाने के लिए अभी सभी यूजर को नए गाइडलाइन का पालन करना होगा। मिली जानकारी के अनुसार माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर फिर से अपने पब्लिक वेरिफिकेशन सर्विस को शुरू करने जा रही है। ट्विटर ने अपने पोस्ट में मेंशन किया है कि इस तरह के अकाउंट्स को वेरीफाई कराया जा सकता है। इसमें सरकार के अकाउंट, ब्रांड्स के ट्विटर हैंडल, कंपनियों के अकाउंट, न्यूज मीडिया ट्विटर अकाउंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंटरटेनमेंट एक्टिविस्ट और स्पोर्ट्स शामिल है। आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,750 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,750 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 59,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 84.42 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। 1 जनवरी से बदल जाएंगे नियम। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने से पहले लगाना होगा जीरो। 1 जनवरी से देश भर में किसी भी लैंडलाइन फोन से मोबाइल नंबर पर कॉलिंग का तरीका बदल जाएगा। आपको बता दें, दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ट्राई ने लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले जीरो लगाने की सिफारिश की थी। इससे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को अधिक नंबर बनाने में सुविधा होगी। 20 नवंबर को दूरसंचार विभाग ने एक सर्कुलर के माध्यम से बताया कि लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने के तरीके में बदलाव की ट्राई की सिफारिश को मंजूर कर लिया गया है। इस सर्कुलर के मुताबिक नियम को लागू करने के बाद लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले जीरो डायल करना होगा। संचार विभाग ने कहा है कि दूरसंचार कंपनियों को लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को जीरो डायल करने की सुविधा देनी होगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजय प्रसाद, सौरभ यादव, अमरेश चौधरी, दरोगा कुमार, नीरज, देव कुमार यादव, श्रवण कुमार, सुमन मिश्रा, अरविंद कुमार, रंजीत कुमार, ब्रजेश यादव, शालिनी कुमारी, अमित कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब
जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सरकार की तरफ से जारी किए गए हर घर नल जल योजना से ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को फायदा पहुंच रहा है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।